देखो ये बात बिल्कुल सही है कि कल अपने गेम के अंदर अपडेट आए थे और आप सभी लोगों ने ऑलरेडी गेम को अपडेट कर भी लिए हो। अब यार तुम्हारे दिमाग में सवाल बहुत तगड़ा चल रहा है लकी व्हील को लेकर, क्योंकि आफ्टर OB44 अपडेट आपको अपने गेम के अंदर लकी व्हील का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलने वाले है। हाँ। अब यार इसका कन्फर्म डेट क्या है, यानी कि लकी व्हील को कौन से कन्फर्म डेट पे गेम के अंदर दिया जा रहा है, कौन कौन से बंडल्स और रिवॉर्ड्स को दिया जाएगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो आज हम यही सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट लकी व्हील के बारे में पूरा का पूरा अपडेट। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गिल्ड वॉर को लेकर, क्योंकि गिल्ड वॉर के ऊपर एक बहुत बड़ा तगड़ा और चेंजेस दिया गया है, मतलब काफी जबरदस्त आपको अपडेट देखने को मिलेंगे गिल्ड वॉर के ऊपर, आज आपको ये भी बताऊंगा। देन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हाइपर बुक के बारे में, आपको नेक्स्ट हाइपर बुक के अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट हाइपर बुक के अंदर जो रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलने वाले वो कितना बढ़िया रहेगा एंड कब आएगा अपना नेक्स्ट हाइपर बुक, कौन से इवेंट के अंदर दिया जाएगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वैसे हां गाइस, को करना ब्रो ने इन गेम के अंदर बहुत सारे न्यू चेंजेस भी किया है जिसके बारे में आपको मैंने कल बता नहीं पाया था, बट आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में अपडेट जो कि अभी तक आपको नहीं पता है। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। इन गेम के अंदर करना ब्रो उसको ऑलरेडी कर दिया है और कुछ चीजों को अभी तक करना बाकी है, तो उसको क्यों नहीं किया गया है सब कुछ आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो बस आप लोग देखते रहिए वीडियो को, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आज का ये वीडियो आप लोग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। तो फिर आओ गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं उसके बारे में जो गेम के अंदर आना चाहिए था बट उसको दिया नहीं गया है, यानी कि न्यू रोल सेक्शन। आपको अपने प्रोफाइल पर एक नया रोल का सेक्शन देखने को मिलने वाला था जिसके चलते आप लोग अपने आईडी पर एक चीज को इक्विप कर रख सकते थे। आप गेम के अंदर रसर का काम करते हो, स्नाइपर का काम करते हो, टीममेट को हेल्प करते हो, क्या करते हो, उसके लिए एक रोल का सेटिंग अपने गेम के अंदर आने वाला था आफ्टर OB44 अपडेट, बट आपको अपने गेम के अंदर देखने को नहीं मिला है। आप लोग खुद से भी चेकआउट कर सकते हो। अब इसको लेकर डाउट तो चल रहा है कि यार ये जो रोल वाला सिस्टम है या फिर रोल का अलग सा सेटिंग है को करना बोलो ने क्यों नहीं दिया है अपने गेम के अंदर अपडेट के बाद। अपडेट आ गया है गेम के अंदर, ये आ जाना चाहिए था बट इसको नहीं दिया गया है। सो इसको कब दिया जाएगा, देखो क्यों नहीं दिया गया है ये तो करना को ही पता है, करना वाले का मूड में नहीं है इसलिए करना बोलो ने दिया नहीं है। कुछ ना कुछ काम धाम शायद अभी भी उसके अंदर बचा होगा इसलिए रोल सेक्शन को अभी नहीं दिया गया है, बट हाँ आने वाले कुछ टाइम के अंदर से और एक हफ्ते के अंदर आपको जो रोल वाला सिस्टम है वो अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। एक हफ्ता भी लग सकता है, उसके पहले भी आ सकता है, बट बहुत जल्द आपको जो रोल वाला सिस्टम है वो अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो कोई टेंशन मत करो, अभी ऐड नहीं गया है, बहुत जल्द उसको ऐड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट कवर करते हैं। अब जैसे कि सिंपली आप लोग यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो एक न्यू ज़ॉम्बी हंट मोड का, वैसे इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना मुझे नहीं है, आपको सब कुछ पता ही है। आपको बस ज़ॉम्बी मोड के लिए कुछ टोकन कलेक्ट करना है जिस टोकन के बदले आपको स्टोर के अंदर गन स्किन वगैरह को ऐड किया गया है जिसको आप लोग इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। सो ज़ॉम्बी हंट मोड में गेम प्ले कीजिए, टोकन जमा कीजिए एंड उसको देकर आप लोग रिवॉर्ड्स जो बढ़िया बढ़िया दिया गया है उसको एक्सचेंज कीजिए एंड मजे लीजिए। तो ये एक आपको बढ़िया चीज देखने को मिला है ज़ॉम्बी हंट मोड के नेम पर, जहां पर आपको एक फ्री इमोट भी देखने को मिलते और अभी परमानेंट। इसके अलावा कल मैंने चेक किया था एफएफ टोकन को, तो भाई वहां पर भी करना बोलो ने बहुत तगड़ा अपडेट दिया है, काफी सारे न्यू बंडल्स को और बहुत से न्यू आइटम्स को एफएफ टोकन के अंदर ऐड किया गया है। कस्टम रूम कार्ड देखने को मिला है, लैक्रोल वाउचर देखने को मिला है, एक बहुत ही पुराना बंडल जो गेम के अंदर आने वाला था बहुत टाइम से उसको दिया नहीं गया था, अब फाइनली उस बंडल को भी अपने एफएफ टोकन एक्सचेंज स्टोर के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो भाई जाके एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, जो आइटम आपको बढ़िया लगता है उसको एक्सचेंज कर लीजिएगा। ऊपर से मैजिक क्यूब के अंदर भी आपको अपडेट देखने को मिला है, तो ये सारी चीजों को जो स्टोर के अंदर ऐड किया गया है, मतलब इस बार का जो अपडेट है काफी दमदार दिया है गर्नबल ने, इन शॉर्ट कहूं तो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। फिलहाल इसके साथ में गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट हाइपर बुक के बारे में, नेक्स्ट हाइपर बुक के अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और आओ एकदम डिटेल्स में पूरा रिव्यू करते हैं नेक्स्ट हाइपर बुक का। सबसे पहले आप लोगों के बाद हाइपर बुक का फुल रिव्यू देख पा रहे हो और लुक भी देखने पर इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाया गया है। अगर हम बात करें रिवॉर्ड्स की, आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके से सर्फ बोर्ड का स्किन दे दिया जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर बढ़िया इफेक्ट दिया गया है अलग तरीके से लुकिंग वाला, काफी तगड़ा इसको डिजाइन किया गया है, देखने पर जबरदस्त लग रहा है वैसे ये सर्फ बोर्ड का स्किन। उसके बाद हम नेक्स्ट रिवॉर्ड्स की बात करें, इस तरीके से ग्रेनेड का स्किन आपको अपना हाइपर बुक के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि फटने पर कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलने वाले और ऐसा देखने पर लग रहा है कि जो अदर ग्रेनेड स्किन है उसकी तरह तो सेम नहीं है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ग्रेनेड स्किन के अंदर एनिमेशन को दिया गया है। चलो बढ़िया है, बिल्कुल पहले की तरह डिजाइन तो नहीं किया गया है, थोड़ा सा ग्रेनेड वालों ने यूनिक तो बनाया है। खैर नेक्स्ट में बात करें आप लोगों को, इस तरीके से बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाले हाइपर बुक के अंदर। अब आप लोग जितना लेवल अपग्रेड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। रिवॉर्ड्स का रिव्यू यहां पर मैं करा दे रहा हूं, कैसा क्या कुछ रिवॉर्ड्स आपको देखने पर लग रहा है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब इसके बाद आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं बढ़िया सा सीट का स्किन, ये भी देखने पर आपको थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिलेंगे, ऊपर से लेजेंडरी दिया गया है और एक स्टाइलिश के शेप में सीट स्किन को तैयार किया गया है। देन आपको गुलवाल का स्किन देखने को मिलता है हाइपर बुक के अंदर और ये काफी जबरदस्त डिजाइन किया गया है, मतलब मुझे देखने पर बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट दिया गया है गुलवाल स्किन के अंदर। नेक्स्ट में रिवॉर्ड्स की बात करें आपको इस तरीके से काटना का स्किन देखने को मिलते हैं, काटना का स्किन भी काफी जबरदस्त डिजाइन किया गया है, ऊपर से लेजेंडरी भी काटना स्किन तैयार किया गया है। बात करें इमोट के बारे में, सबसे जो मुझे बेहतर चीज लगा है वो है
इस हाइपरवॉक का ग्लूअल और इमोट, मतलब दोनों को बहुत जबरदस्त किया गया है। आप लोग इमोट का भी रिव्यू देख पा रहे हो, काफी बढ़िया लग रहा है इमोट देखने पर। एंड बिल्कुल लास्ट में आपको इस तरीके से लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिलता है जो कि हाइपरवॉक के अंदर बिल्कुल लास्ट रिवॉर्ड में दिया जाएगा। आपको पहले सारे के सारे रिवॉर्ड्स को अनलॉक करना पड़ेगा टोकन देकर अपग्रेड करके, और लास्ट में आपको ये रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाले। सो ये हो गया पूरा का पूरा फुल रिव्यू अपने नेक्स्ट हाइपरवॉक का। कैसा लगा है आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में। आने वाले ऐसे अपने टॉपअप इवेंट के अंदर और कुछ टाइम बाद जैसे अपने पैराडॉक्स इवेंट आएगा उसके थीम पे आपको ये हाइपरवॉक देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में हम बढ़ते फिलहाल आगे और बात कर लेंगे गिल्ड वॉर के बारे में, क्या कुछ अपडेट दिया गया है। असल में गिल्ड वॉर आपको पता है कि हर शनिवार को होता है, बट आगे से यानी कि कुछ टाइम बाद जब कुछ गिल्ड वॉर देखने को मिलने वाले वो सिर्फ शनिवार को नहीं बल्कि हफ्ते में तीन बार होगा, मतलब तीन दिन होगा बेसिकली। सो बैनर आपके सामने है, डेट आप लोग खुद देख लीजिए, मतलब दिन कौन कौन से पे होने वाले हैं, ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब तीन दिन आप लोग को ये देखने को मिलने वाले गिल्ड वॉर। तो आप लोग आगे से जो है तीन दिन गिल्ड वॉर को खेल सकते हो। तो ये है अपडेट अपने गिल्ड वॉर के ऊपर। बाकी और एक दो बातें हैं गिल्ड वॉर को लेकर, करना उन्होंने अलग से रिवॉर्ड्स मतलब कन्फर्म किया है, बढ़िया सा इसका विंग का स्किन, साथ में आप लोग को फ्री में फीमेल बंडल जो कि ऑलरेडी स्टोर के अंदर एड वगैरह कर दिया गया है, आप लोग चाहे खुद से चेकआउट कर सकते हो। तो ये सब कुछ जो है गिल्ड वॉर के ऊपर अपडेट था, आपको काफी बढ़िया तरीके से गिल्ड वॉर देखने को मिलने वाले आगे से। खैर अब हम आगे बढ़ते वीडियो में और बात करते हैं स्पेशल लकी हुल डिस्काउंट इवेंट के बारे में। जो लकी हुल का डिस्काउंट इवेंट है वो आपको अपने गेम के अंदर कब देखने को मिलने वाले है और साथ में उसका कन्फर्म डेट क्या कुछ तय किया गया है, कौन कौन से रिवॉर्ड्स को उसके अंदर दे दिए जाएंगे। देखो सबसे पहली बात, ऐसा अकॉर्डिंग टू लीक बताया जा रहा था कि आफ्टर OB44 अपडेट आपको अपने गेम के अंदर लकी हुल का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कुछ टाइम पहले आपको अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप का इवेंट देखने को मिला था, अब इस बार बताया जा रहा है कि डिस्काउंट इवेंट आएगा। और वैसे आपको पता ही है कि लकी हुल का जो डिस्काउंट इवेंट है वो बहुत टाइम पहले अपने गेम के अंदर हमें देखने को मिला था, इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको फिर से अपने गेम के अंदर लकी हुल का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल जाएगी। अब इस बात के ऊपर कंफर्मेशन ये दिया गया है या तो आपको इसी अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे, मतलब जो अपडेट आज नहीं बल्कि कल आया था अपने गेम के अंदर, देखो इसी अपडेट के बाद यानी कि लगभग एक हफ्ते के अंदर आपको अपने गेम में एक लकी हुल का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल सकता है, मतलब चांसेस तो यही दिया गया है और अकॉर्डिंग टू लीक भी यही बताया जा रहा है। बट यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है कि कुछ टाइम पहले जब ऑलरेडी इस महीने पे एक मिस्ट्री शॉप का इवेंट गेम के अंदर आ चुका है तो ये भी हो सकता है कि आप लोग को इस महीने फिर दोबारा लकी हुल का डिस्काउंट इवेंट देखने को ना मिले और कुछ भी डिस्काउंट इवेंट इस महीने पे करने वाले गेम के अंदर ना दे, बट ऐसा होने का चांसेस थोड़ा सा कम है ऐसा बताया जा रहा है। 50% चांस है कि आपको लकी हुल डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा और 50% चांस ये भी है कि आपको लकी हुल का डिस्काउंट इवेंट इस महीने पे देखने को नहीं मिलेगा, उसको दिया जाएगा नेक्स्ट महीने पे, यानी कि जैसे अपना अगला महीना आएगा उस महीने पे आपको तुरंत लकी हुल का डिस्काउंट इवेंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे मई महीने पे, और हो सकता है कि 10 तारीख से पहले ही लकी हुल का डिस्काउंट इवेंट अपने को आपको जो अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। और वैसे एक बात, जब मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया तो भाई वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट भी थे, तो मैं सोच रहा हूं कि पहले मतलब आज इंपॉर्टेंट कमेंट का जवाब देना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि यह एक पैसे वाली बात है। बात कुछ ऐसा है कि बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, सनी भाई मेरा मेंबरशिप 214 दिन के लिए है भाईजान, तो मेरा जो मेंबरशिप लगा हुआ है उसका डायमंड मुझे नहीं मिला है, तो भाईजान हम कैसे डायमंड को क्लेम कर सके और कैसे हमको डायमंड मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जैसे कि एक भाई ने किया भी था। तो मुद्दा यह है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि उनका जो डायमंड है वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि वीकली मंथली का जो प्राइस है वो तो बिल्कुल पहले की तरह सेम है, बट जो डायमंड क्लेम करने का इंटरफेस था उसको चेंज कर दिया गया है और ना ही अपने गेम के मैसेज बॉक्स के अंदर हमें डायमंड करना वालों ने क्लेम करने के लिए दिया है, तो कैसे हम डायमंड को क्लेम करेंगे। देखो सबसे पहली बात, इस चीज को लेकर आप लोग टेंशन बिल्कुल मत करो, मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल क्लियर जान लो, बिल्कुल 100% कन्फर्म ये बात सही है, आपको टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका जितना भी दिन का मेंबरशिप बचा हुआ है, चाहे वो 50 दिन के लिए हो, 100 दिन के लिए हो, 200 दिन के लिए हो, चाहे जितना भी दिन का मेंबरशिप आपको बचा हुआ हो, टेंशन बिल्कुल मत करो, उस मेंबरशिप का जितना डायमंड होता है वो डायमंड आपको आज ना मिला हो, गरना वाले सबके अकाउंट में गिन लेते हैं कि किसके अकाउंट में कितना दिन का मेंबरशिप चल रहा है, गरना वाले सब कुछ गिन लेंगे, गिन के आपको जो मैसेज बॉक्स है उसमें डायमंड क्लेम करने के लिए दे दिया जाएगा। एक दो दिन वेट कर लीजिए, ये इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि फ्री फायर गेम में बहुत से लोग फ्री फायर खेलते हैं, सबका अकाउंट देखना पड़ता है गरना वाले को, गरना वाले चेक करेंगे आपका मेंबरशिप कितना दिन के लिए बचा हुआ है, उतना डायमंड आपका गिन के करने वाले आपके मैसेज बॉक्स के अंदर क्लेम करने के लिए दे दिया जाएगा। और हाँ, जो मंथली एंड वीकली दोनों को साथ लगा रखे थे, मतलब दिन का मंथली वीकली दोनों साथ में चल रहा था 50 दिन के लिए 100 दिन के लिए, उनको 15 डायमंड एक्स्ट्रा भी देखने को मिलते थे, तो उसका क्या होगा, वो डायमंड भी करने वाले गिन कर आपका मैसेज बॉक्स के अंदर दे देंगे। एक दो दिन टाइम लगेगा ये सब होने में, बट आपको मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल 100% गारंटेड है, इसमें टेंशन मत करो, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहो, एकदम मजे में रहो, कोई टेंशन मत करो। तो मुझे उम्मीद है कि जितने सारे भाइयों का ये डाउट था मेंबरशिप को लेकर उनका डायमंड का क्या होगा, उम्मीद है सभी को जवाब मिल गया है और रिप्लाई मिल गया है। सो खैर इसके साथ मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, अगर कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका भी रिप्लाई कल आपको मिल जाएगा। बाकी मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, बढ़िया लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ कल शाम को और एक न्यू वीडियो के साथ में, सो तब तक के लिए बाय।